व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रिवेंशन है कोई, इसमें कोई अवेयरनेस हो सकती है, कोई हम मुझे समझा सकता है, इसका इलाज क्या है, इज इट क्योरेबल एंड इफ इट इज क्योरेबल कैसे क्योर कर सकते हैं। अब इसमें एक खासियत यह है, जब हम अपने आप को सोचते हैं ये कैंसर मुझे तो हो नहीं सकता, भगवान ने मेरे को बड़ी लंबी उम्र दी है, मुझे कैंसर का सवाल ही नहीं उठता, ये नहीं हो सकता है, ये थोड़ी गलत फहमी है। जब कैंसर होना है हो सकता है, मगर उसको हम रोक सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, हमारा जिस्म बहुत सारे सेल्स के साथ बना हुआ है जिसको कहते हैं कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कि जब बहुत सारे होते हैं तो ये बन जाता है अंग, ऑर्गन, और ये ऑर्गन में जो अंग होते हैं बड़े प्रकार के होते हैं, और ये बन जाते हैं शरीर, बॉडी। अब इस बॉडी में कैंसर कैसा होता है, सो मैं एक नुक्ता लेता हूं आज के लिए, और वो है हम बात करते हैं टोबैको के बारे में। टोबैको या तंबाकू जो होता है सिगरेट में, बीड़ी में, खैनी, गुटखा, पानपराग, सुपारी, ऐसे बहुत सारे हैं, इन सब में एक एजेंट होता है जिसको हम कहते हैं निकोटीन, और निकोटीन के साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स कैन वेरी बिटवीन 200 अप टू इवन 1000, 200 से लेके 1000 तक केमिकल्स होते हैं, और इसके केमिकल के यूजेज के साथ साथ जो अंग है उस पे डिजीज आ जाती है, उस वो खराब होना शुरू होता है, और वो चलते चलते अगर उसका इन्वेस्टिगेशन या इलाज नहीं कराया जाए तो वो बन जाता है कैंसर। एग्जांपल, कैंसर ऑफ द माउथ, मुंह के जो कैंसर होते हैं, गम्स के, मसूड़ों के, जीभ के, जवान के, वगैरह वगैरह, यहां से जब वो फैलना शुरू हो जाता है जिस्म में तो फिर मेटास्टेसिस हो जाती है, और उसको अगर इलाज ना कराया जाए तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। सो हम डॉक्टर्स यही राय देते हैं, पहले अपनी जांच शुरू करवा दीजिए, साल में एक दफा अपने डॉक्टर को जाके मिलिए, या कैंसर सेंटर में चले जाइए, या कोई भी हॉस्पिटल जो डील करता है वहां चले जाइए, और वो आपका जांच करेंगे जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग, और अगर उसके बाद राय देते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी है, कुछ जांच होनी है, वो भी करवा लीजिए। चलो ये सब करने के बावजूद मालूम पड़ा कि नहीं जी ये कैंसर होने की उम्मीद है, इसको कहते हैं हम कि हो अपना जिसको कहते हैं शुरुआती कैंसर और प्री कैंसर स्टेज, तो अगर ये है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर इलाज शुरू करना है तो वो बहुत बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी हो सके तो बेहतर रहता है, और जो डॉक्टर राय देता है वो राय को लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जैसे कि हम बाजार जाते हैं कपड़े खरीदने या कुछ सामान खरीदने, एक दुकान में गए पसंद नहीं आया, कीमत ज्यादा है पसंद नहीं आया, तो दूसरी में जाते हैं, तीसरी में जाते हैं, चौथी में जाते हैं, पांचवी में जाते हैं, नहीं पसंद आया कोई परवाह नहीं, घर आ जाइए। लेकिन जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, पहले तो बात यह है कि हम उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग, जो खिड़की खिड़की पर जाकर चेक करते हैं, लेकिन जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, हम एक डॉक्टर पास जाएंगे, उनकी राय हमें पसंद नहीं आती, अगर वो कहते जी कैंसर की उम्मीद है, हम कहते क्या बोलने जा रहे हो, हम दूसरे डॉक्टर पास जाते हैं, तीसरे पास जाते हैं, और ये करते करते हम डॉक्टर शॉपिंग कर रहे हैं। डॉक्टर शॉपिंग में हमें एक राय पसंद नहीं है, दूसरी की पसंद नहीं है, तीसरी की पसंद नहीं है, क्या होता है कैंसर फैले जाता है, ये भी सही नहीं है, डॉक्टर शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अब अगर कैंसर हो भी गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि जी सर्जरी या ऑपरेशन करना है, नहीं 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 मैं तो नहीं करवाऊंगी, अब क्या है फिर वक्त हम जाया कर रहे हैं। एनीवे, वो तो डिपेंड करता है कि कौन किससे कन्विंस हो जाए, कौन किसकी बात मान ले। अब कैंसर के ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, सर्जरी या ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, ड्राई मेडिसिन,
खास दवाइयां जो कैंसर के लिए खास दी जाती है, और हर कैंसर अलग अलग प्रकार का होता है। ये नहीं है कि जुड़वा में भी एक कैंसर है तो वही कैंसर दूसरे जुड़वा में भाई या बहन में भी होगा, और ये भी नहीं है क्योंकि पड़ोसी को ये हो गया था तो मुझे भी इसी प्रकार का कैंसर होगा। कैंसर आदमी और औरत का अपना अपना देन है या अनदेन है, तो ये भी अलग अलग डिपेंड करता है और दवाई उसी के हिसाब से चलती है। रेडियोथेरेपी, गरमाई या विकिरण, ये भी दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ऐसे बहुत सारी हैं इलाज जो डॉक्टर आप अपने आप पे डिसाइड करते हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में एक टीम होती है डॉक्टर्स की, वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये केस के लिए कौन सी ट्रीटमेंट बेहतर रहेगी। अब इस पे थोड़ा सा मैं गौर और करूंगा, कुछ गलत फहमियां भी होती है जिसको कहते हैं गप या मिथ्सत। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया है ओरल कैंसर का, मुंह के कैंसर का, तो इसी पर बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि जी मुंह का कैंसर हो रहा है, ये जानलेवा बीमारी है, लाइफ किलर है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। अगर ये जल्दी जांच करा जाए और इलाज शुरू करा जाए तो नॉर्मल लाइफ बाद में आ सकती है। दूसरा गप, कम्युनिकेबल डिजीज, छूत की बीमारी है, बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी कैंसर पेशेंट के साथ आप बैठ सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, सो सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज छूत की बीमारी नहीं है। ये गलत धारणा है, जो एक दफा शुरू करते हैं तो चलती ही रहती है। तीसरा, बायोप्सी क्या ट्यूमर करना, दैट मीन अंग का एक टुकड़ा निकालना जांच करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए कि ये कैंसर है कि नहीं। और बहुत सारे बोलते हैं जी जैसे आपने ये ट्यूमर को या अंग को थोड़ा सा भी टुकड़ा निकाला तो ये पूरे जिस्म में फैल जाएगा। ये भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब हमें निकालना होता है अंग तो हम सर्जरी करते हैं या अंग का टुकड़ा निकालते हैं अगर हो सके, और अगर नहीं हो सकेगा तो फिर डिपेंड करता है कि और कौन सी दवाई इसके साथ इस्तेमाल की जाएगी कॉम्बिनेशन में। अगला तरीका रेडियोथेरेपी, सकाई कहते हैं। सकाई का इलाज बहुतों की गलत फहमी है कि एक दफा उस एरिया में जब सकाई कर ली तो परमानेंट डैमेज हो गया एरिया। यह भी सही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सकाई उतनी करते हैं जितनी जरूरी है और उसके बाद रोक देते हैं, और रोकने के बाद वक्त के साथ साथ उस एरिया का नॉर्मल कलर वापस आ जाता है और उससे भी कैंसर रुक जाता है या खत्म हो जाता है। एक और नुक्ता कि मेरे को पेन, दर्द जब हुआ ही नहीं है तो कैंसर कैसे हो सकता है, यह भी सही नहीं है, क्योंकि 80-90% तक कैंसर को बिल्कुल पेनलेस होता है, बिना दर्द के होता है। इसके लिए कोई डॉक्टर को मिलने नहीं जाता, और नहीं मिलने जाता डॉक्टर को तो ये कैंसर बड़ा होता रहता है या फैलता रहता है। तो ये भी देखना है कि जैसे कुछ मालूम पड़ जाए, कुछ हो रहा है ये कैंसर की दर्द या नहीं दर्द है, तो उसका भी जांच कराना जरूरी है। अगला, सोशल स्टिग्मा। बहुत सारे आदमी और औरतें सोचते हैं कि जी ये सोशल स्टिग्मा होता है क्योंकि शक्ल बदल जाएगी, बात करने की तकलीफें हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ, औरत और आदमी का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप, वो भी बदल जाएगा। या कोई और बहुत सारे सोचेंगे कि जी ऐसा है कि उस घर में कैंसर हो रहा है तो वहां से रिश्ता नहीं जोड़ना शादी का, क्यों, क्योंकि वहां है हमारे को भी हो सकता है, इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लेकिन ये सोशल स्टिग्मा बहुत सालों से चले आ रहा है और चलते आ रहा है, इसको भी भूल जाना चाहिए। सो अब ये कैसे पता करें कि हमारे पास कैंसर है कि नहीं, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग, निवृत्त जांच। निवृत्त जांच बहुत जरूरी है, साल में कम से कम एक दफा। एग्जाम्पल देता हूं, आपके सबके पास स्कूटर या गाड़ी तो हो ही गई, आप ले जाते हो सर्विसिंग के लिए पता करने
कि गाड़ी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, कोई पुर्जा को बदली करना है या ठीक कराना है कि नहीं। आप वहां पैसे खर्च कर लोगे क्योंकि आप चाहते हो कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सही चलना चाहिए। लेकिन वैसे ही ये हमें देखना है कि हमारा अपना जिस्म में कोई खराबी है कि नहीं है, या हम इंतजार करेंगे जब खराबी आ जाएगी तब हम डॉक्टर पास जाएंगे। इसलिए कैंसर स्क्रीनिंग के लिए साल में एक दफा डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आदमी 20 साल 25 साल की उम्र से ज्यादा हो जाता है आखिर तक। इसको हम कहते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर इज अ मस्ट। सेल्फ स्क्रीनिंग एक और तरीका है, जैसे सुबह दांतन कर रहे हैं हम तो अपना मुंह खोल के देखते हैं, उंगल डाल के देख लो मुंह के अंदर कोई छाले तो नहीं हो रहे हैं, सफेद रंग के या लाल रंग के छाले। अगर ये हैं तो इनको भी जांच कराना जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपनी सुविधा बेहतर है ना कि बाद में इलाज कराना। कैंसर के स्टेजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, और उसके बेसिस के ऊपर हम प्लान करते हैं डॉक्टर्स, कीमोथेरेपी देनी है, सर्जरी करनी है, विकिरण करना है, इम्यूनोथेरेपी करनी है, ये सब देखा जाता है। अब तंबाकू रोकने की बात, तंबाकू की बात शुरू करी थी, अगर हम तंबाकू रोक दें कोई उम्र में, इसका मतलब हम ठीक हो गए? ठीक नहीं हुए। लेकिन अगर जो बीमारी है वो बीमारी रुक सकती है, और इलाज के साथ साथ और बीमारी और वो तंबाकू को रोकने के साथ हम कैंसर को बिल्कुल कंट्रोल में भी ला सकते हैं। आज की बात खत्म करने से पहले मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो इंडियन कैंसर सोसाइटी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, वो है B6364 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में, और वहां का नंबर है 2625-9572 और 2626-4907। इसके अलावा हमारे पास कैंसर डिटेक्शन सेंटर भी है बाबर रोड पर, और ये 42 बाबर रोड के बिल्कुल निकट है, बिल्कुल साथ में ही है, ये बंगाली मार्केट के पास में है दिल्ली में, और यहां का नंबर है 2371-6941 2371-6941। फिर मुलाकात करेंगे कभी बाद में, और तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम, और अपने आप को खुश रखिए, सेहतमंद रखिए। जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हम अपने थैंक यू या अपने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्रेस्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड से, जिसने हमें ये रेडियो टॉक पे सपोर्ट करा है।